वेलकम टू चंडीगढ़। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग वन माइल हेड और मैं हूं आपका होस्ट सौरभ। तो आज हो गया है डे 3, अब गाड़ी बुक कर लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ से सराह। और अभी हम जस्ट ये ढाबे पे रुके हुए हैं, लगभग 9 घंटे की जर्नी होने वाली है। आपको सारे इन्फॉर्मेशन देंगे और जो भी ट्रिप की डिटेल्स होगी और जिस रोड से हम लोग जाएंगे वो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन के लिए स्टे ट्यून रहिए, हम आपके साथ बहुत कुछ ला रहे हैं। इन दिस वीडियो आपको पता चलेगा हमने कौन से रूट लिया है। तो अभी हम लोग हैं चंडीगढ़, तो हम लोग वाया शिमला होके हम लोग सराह तक पहुँचेंगे। तो ये है हमारा रूट जो हम ले रहे हैं अभी। मेक श्योर कि आप भी इसी रूट ट्रैवल करें तो फिर आपको इस रूट से कोई और दिक्कत नहीं होगी। स्टे ट्यून विद अस। शिमला पहुंचे हैं, ये मेरे पीछे शिमला। 5 बज रहे हैं अभी फिलहाल। सो अभी हम लोग आए हैं ग्रीन वैली में। जब आप पीछे देख रहे हो ये ग्रीन वैली पूरा। तो अभी फरजा तक जाने के लिए हमारे पास अभी भी 8-9 घंटे हैं अभी भी। तो हम अभी वेट करेंगे फिलहाल और अभी इस व्यू का जस्ट मज़ा लेंगे हम यहाँ से पीछे से। अभी हम लोग हैं नारकंडा में और नारकंडा से बस एक व्यू देखने के लिए हम रुके हैं। अगर आप पीछे देख सकते हैं तो पीछे एक हिमालयन रेंज आपको दिखेगी वो पूरी। द व्यू इज़ मोस्ट अमेजिंग अगर आप देख सकते हो। तो ये बहुत सारे ट्रैवलर बाइक भी जा रहे हैं पीछे। दिस इज़ द अमेजिंग व्यू। और हम यहाँ से लगभग अभी भी 100 किलोमीटर्स दूर है सराह के लिए। तो हम वहाँ तक वेट करेंगे। टिल देन के लिए स्टे ट्यून और हम आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं।
अभी हम लोग पहुँचे हैं कर्फ्यू में, और अभी फ़िलहाल 6 बजे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे विद दिस अमेजिंग व्यू मेरे पीछे। तो अभी भी बहुत सारे जर्नी बाकी हैं कंप्लीट करने के लिए, बने रहिए हमारे साथ और हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। टिल देन के लिए स्टे ट्यून्ड। बजी है 8:20 के करीब और हम ये अभी हम लोग बचे हैं ऑडी। अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम हमारा जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे। टिल देन के लिए सेशन पूरा होने के बाद हम आपको लाइव अपडेट बताएंगे, और अभी हमको लगभग 2 घंटे और लगेंगे पहुंचने के लिए, तो हम उसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब तक ये पूरी होती है हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। टिल देन के लिए स्टे ट्यून एंड एंजॉय द वाइब। हेलो गाइस, वेलकम टू सतलुज विलो पॉइंट। तो ये हम जो नीचे देख रहे हैं ये है सतलुज नदी, और ये एक व्यू पॉइंट है, सतलुज व्यू पॉइंट जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं वो नीचे है सतलुज वैली, और वो रही नदी जो जा रही है यहाँ से, और वो वहाँ से आ रही है नदी। अगर आप डीप डाउन देखें तो वहाँ पे है पहाड़, वहाँ से आ रही है नदी बहते हुए सतलुज नदी, और नीचे कुछ घर भी बसे हुए हैं अगर आप नीचे देखें तो। एवरीवन, तो अभी हम आए हैं सतलुज व्यू पॉइंट पे, और अगर आप नीचे देख सकते हो तो नीचे सतलुज नदी है बह रही है, और वहाँ पे है वैली, सतलुज वैली, तो वहाँ पे डैम बनाया हुआ है। अगर आप वहाँ से अच्छे से अगर आप देख सकते हो तो आप इस व्यू का एंजॉय कीजिए, और बाकी का इंफॉर्मेशन हम आपको बाद में बताते हैं। टिल देन के लिए स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू सरा। तो व्हाट्स अप गाइस, अभी हम जस्ट पहुंचे हैं सराह में, और ये हमारा पीछे होटल है, और सभी बहुत टायर्ड हो गए हैं, तो अभी हम लोग जस्ट होटल में चेक इन करेंगे और बैठेंगे और लंच करके फिर हम लोग थोड़ा साइट सीइंग करके निकलेंगे। और टिल देन के लिए मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, शाम को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन के लिए स्टे ट्यून्ड। 1 माइल अहेड साइनिंग ऑफ।
रेडी, वेलकम टू चंडीगढ़, वेलकम टू सरा। हेलो गाइस, वेलकम टू सतलुज जीरो पॉइंट, वेलकम टू शिमला गाइस and green valley and this green valley. Okay, it's okay. Oh, dikha da, dikha da, ye amar ta ta movie dilo, ye ta ki khabar na chhe movie ta rata chhe amke diye ye acha to niche ke dekha chhes. Hello bros, yo, welcome to Shimla, welcome to Shimla guys. Ei bhai tor maaj nasta kelta amra kati eshi Shimla.